हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स अड्डा। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बेबी के लिए एक हेल्दी रेसिपी जो कि है रागी की खिचड़ी, रागी पॉरिज। इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून होममेड देसी घी। नेक्स्ट हमें ज़रूरत होगी 2 से 4 ड्राई फ्रूट्स की। अगर आपका बेबी 1 ईयर से ज़्यादा है तो आप इसको क्रश करके डालिएगा, अदरवाइज़ इसका एक ड्राई फ्रूट पाउडर बना लीजिएगा। कुछ इस तरीके से मैंने बना कर रखा हुआ है, ये किसी भी रेसिपी में आप डाल सकते हैं ऊपर से ड्राई फ्रूट पाउडर, इट इज़ हेल्दी फॉर बेबी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है जैगरी पाउडर। जैगरी को क्रश करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज़ जैगरी। अगर आपका बेबी 1 ईयर से कम है तो आपको जैगरी यूज़ करना चाहिए स्वीटनेस के लिए, अगर अदरवाइज आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है वाटर, और यहाँ पर मैंने लिया है मेन इंग्रेडिएंट रागी। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून रागी। वो इसको परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अदरवाइज़ ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप वाटर की जगह फॉर्मूला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी मिल्क आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन में घी को गर्म कर लिया है। जब घी मेल्ट हो जाए उसके बाद इसमें सेकेंड स्टेप है रागी को ऐड करना। रागी को अच्छे से हम चलाएंगे जिससे ये अच्छे से एक अरोमा आने लगे। जब इसमें से अरोमा आने लगेगा तो समझ लीजिए ये भुन चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। रागी बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देख ले कितनी जल्दी इसने रागी ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कंसिस्टेंसी को पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर जैगरी ऐड कर दिया है। जैगरी आप अपने जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डालें, कमी या ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये हमारी रागी की खिचड़ी रेडी है जो कि बहुत हेल्दी होती है बेबी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।